नमस्कार, मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आज आपको एक रचना भेज रही हूँ जिसका शीर्षक है करवा चौथ। करवा चौथ में मैं उसकी कहानी सुनने की पहले आपको विधि साझा करती हूँ। करवा चौथ कार्तिक में दिवाली के पहले आती है, जिसको सभी सुहागने करती है, बड़े धूमधाम से करती है, नए कपड़े पहनती हैं और इसमें थाली में रोली, चावल, मूली, अक्षत, फूल, जल का लोटा इत्यादि लेते हैं। एक कटोरे में गेहूं गुड़ लेते हैं और एक करुआ जो मिनसते हैं उसमें नीचे जल होता है, ऊपर में गेहूं होता है और या फिर चीनी होती है और उसके ऊपर रुपया रख के मिनसा जाता है, जो सास को, नंद को, जिठानी को या किसी भी बड़े को दिया जाता है। अगर परिवार का कोई नहीं है तो वो ब्राह्मण को दिया जाता है। और इसमें इसकी कहानी सुनने के पहले हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। आज के समय में लोग चाय पीने लगे हैं, लेकिन ठीक है, श्रद्धा से व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वही काफ़ी है। इसमें पूजा के लिए तैयारी जो भी करते हैं हम लोग, तो वो कहानी सुनने के पहले एक पाटे पे रखते हैं, ओढ़ना ओढ़ते हैं। रात को जब चांद उगता है तो चांद को उसी थाली से जिससे कहानी सुनते हैं वो थाली हम रख देते हैं और शाम को चांद को अर्घ देते हैं, रोली चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं और फेरी देते हैं। वही जो गेहूं और चावल जो भी रखते हैं कहानी सुनते हैं वो सारा रखते हैं, वो उसी से अर्घ देते हैं और जल वो रखा रहता है उसी से अर्घ देने के बाद परिक्रमा करके फिर आके फिर हम लोग अपने भोजन करते हैं। ये तो करवा चौथ की विधि है और ये हर महीने की चौथ आती है, लेकिन साल में 13 चौथ जब परसोत्तम महीना होता है तब एक चौथ और आती है। तो बहुत लोग 13 चौथ का भी उद्यापन करते हैं। इस उद्यापन की विधि मैं आपको बाद में बताऊंगी।